गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार जीएस एक्सपर्ट की क्लास में टेक में गुरु चैनल से आज आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत का पार्ट फोर्थ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में जीएस एक्सपर्ट की जो क्लास है एसएससी, जेई, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सब में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका हम ये पार्ट फोर्थ लेकर आए हैं आज। इसमें आपके सभी तरह के जो हमारे न्यूमेरिकल्स इसमें बचे हैं, पैरेलल और सीरीज टाइप में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सभी आज आपके कवर हो जाएंगे। ओके, चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, यानी जो हमारे सीरीज और पैरेलल हैं उन सभी में प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियाँ होती हैं हमारी, दो विधि होती है हमारी प्रतिरोध को। जैसा कि हम यहाँ पर दिखाएंगे डायग्राम में, चित्र में एक विद्युत परिपथ दिखाया है, विद्युत परिपथ दिखाया है जिसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है, यानी सीरीज कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है? सीरीज़। ओके, इनको सीरीज़ कहा जाता है। इस तरह के जो हमारे संयोजन होंगे, जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो सीरीज अरेंजमेंट कहा जाएगा, श्रेणीक्रम में संयोजक प्रतिरोधक। इस तरह से R1, R2, R3 और यहाँ पर ये वोल्टेज हम दिखा सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? सीरीज फॉर्म में है। यहाँ पर एक एमीटर हमने लगाया है जो हमारा करंट को इंडिकेट करेगा, यानी करंट को देखेगा कितना हमारा करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ये हमने के कुंजी यहाँ पर लगाई है, ये हमारी एक सेल लगाई है, विद्युत सेल, यहाँ पे बैटरी लगाई है हमने, ये करंट हमारी फ्लो होगी, इस तरह से फ्लो होगी, इस तरह से आ रही है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज यहाँ पे, करंट इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस में होते हुए करंट हमारा फ्लो होगा। ओके, इस तरह से। तो सीरीज में जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको सेल में सही इस तरह से कनेक्ट करेंगे सर्किट को, तो सभी के सभी बल्ब जलने लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इस तरह से आप देख रहे हैं। जब स्विच ये हटेगा, कोई भी हम यहाँ पे कनेक्शन हटाएंगे तो सभी ऑफ हो जाएंगे, जब जुड़ेंगे तो ऑन हो जाएंगे। इस तरह का सर्किट सीरीज में चलता रहता है, एक वायर ऐसे और फिर दूसरा वायर यहाँ से निकल के दूसरे वायर से जुड़ेगा, ऐसे लास्ट तक जुड़ता जाता है, इसको सीरीज अरेंजमेंट हम बोलते हैं इसको। ओके, इस तरह से R1, R2, R3 यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे सीरीज की एक प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस हैं उन सभी रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली जोड़ेंगे, R1, R2, R3 इन सभी को हम जोड़ते चले जाएंगे, और एक लास्ट में जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट से जितने भी हमारे रेजिस्टेंस हैं सभी को जोड़ के टोटल हमारा रेजिस्टेंस जो है इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे निकालते हैं। करंट फ्लो हमारा यहाँ से होगा, करंट हमारा यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पूरा करंट हमारा सेम जा रहा है, सभी में करंट इक्वल करंट रहेगा, बट यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट रहेगी। ओके, क्या रहेगा? विभांतर यहाँ पे डिफरेंस रहता है, विभांतर में अलग अलग विभांतर होता है सभी का, वो हम निकाल देते हैं फॉर्मूले से। ओके, जैसे वी हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा वी इक्वल टू IR होता है, यहाँ पे ये हमारा सीरीज का जो रेजिस्टेंस है टोटल, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। जैसे हमें पता है इस रेजिस्टेंस में अगर आपको निकालना है वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज के लिए आप क्या करेंगे? ओम्स रूल लगाएंगे, हम ओम के नियम लगाएंगे, R इक्वल टू होता है यानी V बराबर IR होता है। यहाँ पे वोल्टेज निकालने के लिए हमें IR निकालेंगे, IR लगाएंगे यहाँ पे। ओके, IR लगाएंगे, IR1, I तो सेम रहेगा, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? IR2 लगाएंगे। ओके, और इसके लिए क्या लगाएंगे? IR3, क्योंकि I तो सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंस है, तो IR3, IR2 तीनों हमारे वोल्टेज रहेंगे, और लास्ट में इक्वल वोल्टेज के सेम, यानी इक्वल वोल्टेज के इक्वल रहेगा, जो हमारा रहेगा वोल्टेज इसके इक्वल रहेगा। टोटल हमारा वोल्टेज यानी टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना है?
टोटल आर एस, टोटल रेजिस्टेंस आर एस और आई आर वन, इस तरह से आई आर वन प्लस आई आर टू यहाँ पे लिखेंगे और प्लस आई आर थ्री, इस तरह से हम इनको जोड़ के दिखा रहे हैं आपको ओम के नियम से। यहाँ पे आई कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन लेके यहाँ पे भी आई कॉमन आएगा, आर वन प्लस आर टू आर प्लस आर थ्री बचेगा, आई से आई कैंसिल होएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के यहाँ से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को समझ में आया होगा कि सीरीज जो हमारा अरेंजमेंट होता है, सीरीज हमारे जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्टली हम उन रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जोड़ देंगे। ओके, हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इनको हमें जोड़ते चले जाना है जो हमें सीरीज में रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम समांतर क्रम में देखेंगे। जो समांतर क्रम होते हैं पैरेलल में संयोजित प्रतिरोध जो होते हैं हमारे उनको देखेंगे। जैसे पैरेलल में यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे इस तरह से, ये यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री पैरेलल में है, यहाँ पे करंट ये फ्लो हो रहा है। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि करंट जो है यहाँ पे सेम नहीं होगा, यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ करंट आई वन अलग होगा, यहाँ आई टू अलग होगा, ओके, यहाँ आई थ्री अलग होगा, इस तरह से करंट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे लास्ट में आपने देखा था वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट था, यहाँ पे करंट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और जो सीरीज है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगा और पैरेलल में आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। ओके, इस तरह से ऐसे आप देख रहे हो कि करंट यहाँ पे ये टोटल हमारा इतना सारा ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप वोल्टेज, इससे विद्युत सेल है, विद्युत सेल से हमारे काफ़ी सारे करंट ये दिख रहे हैं आपको फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया, इक्वल नहीं जा पा रहा है। ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे बहुत सारे ये करंट आ रहे हैं, इस तरह से मोलिक्यूल आ रहे हैं, इसके एटम्स आ रहे हैं, लेप एटम्स के थ्रू हमारा करंट फ्लो होता है, यहाँ पे कम कम आ रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, एक इधर गया बाद में इधर फिर इधर फिर इधर फिर उधर, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा अलग अलग सर्किट के लिए, सॉरी अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग हमारा करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट कुछ हो रहा है, यहाँ पे करंट कुछ हो रहा है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली जो फॉर्मूला होगा करंट का, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये होता है इस तरह से। और यहाँ पे आई आपको पता ही है कि आई इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है ओम्स रूल्स, ओम के नियम से जो सर्किट हो रहा होता है हमारा इस तरह से, इस सर्किट में हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकलता है पैरेलल में, ये हमारा इस तरह का फॉर्मूला आके निकलता है। ओके, वन अपोन आर पी, वन अपोन आर वन प्लस वन अपोन आर टू वन अपोन आर थ्री, इस तरह से हम निकालते हैं पैरेलल के लिए। जब हमें पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है पैरेलल में हमारे लगे हुए होते हैं, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वन अपोन आर पी इक्वल टू वन अपोन आर वन प्लस वन अपोन आर टू, इस तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, प्लस वन अपोन आर थ्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी इस तरह से हमने करंट हमारा डिवाइड हो गया, ये करंट यहाँ पे आई इक्वल टू आई वन आई थ्री ये था, और वोल्टेज भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे पैरेलल में इस तरह से यहाँ पे देख रहे होंगे आप, करंट यहाँ से डिवाइड होकर इस तरह से डिवाइड होकर आगे निकल गया, फिर ऐसे करंट आ गया। ओके, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे पैरेलल सर्किट हमने एक लगाया इस तरह से। नाउ अब हम इस पैरेलल और सीरीज जो हमारे ये सर्किट हैं इन पे हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि चित्र है, एग्जाम्पल ये है, संलग्न चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो है हमें रेजिस्टेंस निकालना है कि यहाँ पे कितना कितना रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक टोटल। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह से जा रहा है, ये हमारा दो ओम का रेजिस्टेंस है, इसके बाद तीन ओम है, फिर चार आई, ये हमारे क्या हैं सीरीज में है। तो सीरीज में मैंने बताया था इनको डायरेक्टली हम जोड़ लेते हैं इस तरह से, डायरेक्टली जोड़ लेंगे तो
तो कितना आएगा, दो तीन और चार, ये हमारा आ जाएगा नाइन, टोटली नाइन। अब ये नाइन आ गया टोटल, अब यहाँ पे नाइन ऊपर है और नाइन है नीचे, तो ये नाइन और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ये पैरेलल होंगे, तो इनके लिए पैरेलल का हमारा जो फॉर्मूला होगा कि पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा आर पी, हमें पता है वन अपॉन नाइन यहाँ पर लिखेंगे, ओके, और नीचे भी कितना आएगा हमारा, वन अपॉन नाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कितना आएगी वैल्यू इसकी, नाइन अपॉन टू, ओके, नाइन अपॉन टू। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम आर पी को ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, तो आर पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, आर पी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, नाइन अपॉन टू, यानी कि हमारी जो आर पी निकलेगी, जो हमारा पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, वो कितना निकलेगा हमारा, वो हमारा निकल जाएगा 4.5। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा, नाइन को दो से डिवाइड कर देंगे तो 4.5 आएगा हमारा ओम रेजिस्टेंस, इतना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीरीज में है, तो सीरीज में ये जुड़ जाएंगे पहले, उसके बाद ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, फिर पैरेलल में 1/9 प्लस 1/9 हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट में हमें करंट निकालना है कि करंट हमारा कितना फ्लो होगा, इसमें हमने रेजिस्टेंस निकाला है, नेक्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है करंट। ओके, करंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे कितना है, टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्टली करना है, हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है स्टूडेंट, सीधी सीधे हमें जोड़ देना है, ये सीरीज में यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 10, 6 और 4, तो ये हो जाएंगे आपके 4 और 6, 10 और 10, 20, तो यानी आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, वो 20 तो आपका हो गया रेजिस्टेंस। ओके, 20 आपका रेजिस्टेंस आ गया, वो आपको निकालना है आई, यानी करंट, तो करंट के लिए आपका फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, जो आपके ओम के नियम से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज आपको गिवन है, वोल्टेज आपकी 10 है, वोल्टेज 10 है और आपका रेजिस्टेंस 20 निकला है, आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, 0.5। करंट का जो हमारी यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, 0.5 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज हमारा 10 है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो आप आसानी से कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चित्र में विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच धारा और परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, धारा और प्रतिरोध निकालना है हमें यहाँ पे। ओके, ए और बी के बीच में हमें प्रतिरोध निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ में मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ए और बी के बीच में प्रतिरोध तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 2 और 2, 4 सीरीज में है, बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ए से सी के बीच में निकालना था, ए से सी के बीच में निकालना है हमें। ओके, ए से सी के बीच में, यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ए से सी के बीच में बिंदुओं के बीच धारा और प्रतिरोध का मान निकालना हमें, तो 2 और 2, 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यहाँ पे हमारा टोटल ए से बी तक 4 रेजिस्टेंस आ गया। अब इस पॉइंट के बाद आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा करंट, क्योंकि करंट यहाँ तक सेम आते ही, तो जब करंट डिवाइड होगा तो आप समझ लीजिएगा कि पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो गया। ओके, पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो गया, यानी समांतर जो हमारा प्रतिरोध, समांतर जो हमारा परिपथ है वो स्टार्ट हो गया, तो ये समांतर क्रम में है, तो 4 और 4 इसको निकाल लेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, बी और सी के बीच, ए सी, ए सी के बीच हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4। अब बी और सी के बीच कितना रेजिस्टेंस हमारा होगा स्टूडेंट्स, बी और सी के बीच हमारा जो रेजिस्टेंस होगा
उसके लिए हम क्या करेंगे, वन अपॉन रेजिस्टेंस बी सी, बी सी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में इस तरह से हम फॉर्मूला लगाते हैं, वन अपॉन फोर और प्लस वन अपॉन फोर, यहाँ पे कितना आएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा टू अपॉन फोर। और इसको जब निकालेंगे हम, आर बी सी निकालेंगे हम, यानी बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, वो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो फोर बाई टू आ जाएगी, फोर बाई टू यानी टू। ओके, फोर बाई टू यानी टू। नाउ ये टू आ जाएगी बी और सी के बाद यहाँ पे, और यहाँ से ए और बी तक हमारा चार था और दो हमारा आगे आ गया, तो टोटल हमारा ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस जो है हमारा, टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया हमारा ए और सी तक, वह हमारा हो जाएगा सिक्स। ओके, हमारा कितना हो गया सिक्स, यहाँ से यहाँ तक ये टू प्लस टू, और ये हमने निकाल ले यहाँ पे दो निकलेगा, ये पैरेलल में यूज हो के दो दो और दो, यानी छः आ गया हमारा रेजिस्टेंस। ओके, तो परिणामी प्रतिरोध हमने निकाल लिया है सिक्स, अब हमें निकालना है करंट, तो करंट भी निकाल लेंगे हम, करंट आसानी से निकल जाएगा हमारा। तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, करंट के लिए हमें वोल्टेज दिया है सिक्स। ओके, करंट के लिए वोल्टेज दिया है सिक्स, तो आई इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे, आई इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारा वी अपॉन आर, यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज हमारा सिक्स है, सिक्स वोल्ट, और आर कितना है हमारा सिक्स है, तो करंट की वैल्यू हमारी आ गई वन एम्पियर। ओके, वन एम्पियर हमारा करंट आया है और सिक्स हमारा रेजिस्टेंस आया है। आपसे करंट भी पूछा जा सकता था एग्जाम में और रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, आप आसानी से कर ले जाओगे क्वेश्चन इस तरह का। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होगे नया क्वेश्चन है, इस डायग्राम में आपको ए और बी, यहाँ पे ए और बी पॉइंट नहीं दिए हैं, ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध हमें निकालना है टोटल, इस पॉइंट से ये हमारा बैटरी है स्टार्ट में, टोटल हमारे कितने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। ओके, यहाँ पे टोटल आपको देखना है कि आपके कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ओके, इनके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि पैरेलल में यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो पैरेलल के लिए यहाँ पे वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे पहले, तो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू यहाँ पे निकल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा टू अपॉन टू यानी कि वन, तो यहाँ पे आ गया आपका रेजिस्टेंस वन, ये वन आ गया। अब यहाँ से ये पॉइंट इस सिरे पर ख़त्म हो गया, ये रेजिस्टेंस है हमारा, इस पॉइंट से फिर दूसरा रेजिस्टेंस यानी हमारा कितना आ गया वन, और यहाँ पे दूसरा खत ये ख़त्म हो जाएगा सेकंड, यानी वन जो रेजिस्टेंस है हमारा वन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद टोटल की वैल्यू हमने निकाली है वन, यानी वन रेजिस्टेंस हमारा ये आ गया यहाँ से, और इसके बाद ये हमारा थ्री है, तो वन और वन टू और थ्री फाइव, यानी हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा फाइव। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना सीरीज और पैरेलल में। सीरीज पैरेलल में आपको क्या याद रखना है, आपको ये देखना है कि अगर हमारा सर्किट स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, ये आपके स्टार्ट हो रही हैं सर्किट, यानी आपके रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, ये आपके रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रही हैं इस तरह से, तो आपको ये देखना है कि ये क्या है आपका, ये पैरेलल है। जब आपके एक पॉइंट से करंट डिवाइड हो रही हो, अलग अलग डायरेक्शन में करंट आपकी डिवाइड हो रही हो, तो वहाँ पे जो है आपका पैरेलल सर्किट होगा। यहाँ पे करंट आपकी डिवाइड हो रही हो एक पॉइंट से, ओके, वहाँ पे क्या होगा आपका पैरेलल सर्किट होगा, यानी एक पॉइंट से आपके जा रहे होंगे एक सिर, यानी कि आप इस तरह से भी सोचते हैं कि रेजिस्टेंस का एक सिरा, एक एक सिरा एक ही पॉइंट पर जुड़े हों, तो वो आपके पैरेलल में होंगे। और जब एक पॉइंट पर आपका रेजिस्टेंस लग रहा हो और दूसरे पॉइंट पर रेजिस्टेंस वो ख़त्म हो गया, फिर नया रेजिस्टेंस नेक्स्ट पॉइंट पर स्टार्ट हो,
इस तरह के क्रम को आप बोलते हैं श्रेणी क्रम। ओके, जैसा कि हमने आपको बताया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये पॉइंट स्टार्ट है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर दूसरा स्टार्ट है, तो ये सीरीज में हो गया और इस पॉइंट से आपकी करंट डिवाइड हो गई। तो करंट डिवाइड हो गई तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पैरेलल सर्किट हो गया। आइए आपको पैरेलल और सीरीज के जो सर्किट के जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप टेक मैक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको।